अक्षरा सिंह और अंजना सिंह भोजपुरी सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियां हैं। इनकी लोकप्रियता भोजपुरी के स्टार हीरो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव आदि से कम नहीं है, लेकिन फीस के मामले में ये अक्सर हीरो से पीछे छूट जाती हैं। अंजना सिंह के शब्दों में कहें तो भोजपुरी सिनेमा में अभिनेता और अभिनेत्री की फीस में ज़मीन आसमान का अंतर है। अक्षरा सिंह ने कम फीस के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भोजपुरी के सभी हीरोइन एक मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पाती, और कभी होती भी हैं तो एक दो तो कोई ना कोई आकर बहुत कम पैसे में ही काम कर लेती हैं। अक्षरा सिंह और अंजना सिंह ने इस मुद्दे पर एक इंटरव्यू में बात की थी। जी हाँ, इस मुद्दे पर अक्षरा सिंह कहती हैं कि सारी हीरोइनों को मिलकर इस चीज़ पर सोचना चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। फीस के मामले में निराशावादी होने के पीछे की वजह भी अक्षरा ने बताया। उन्होंने कहा कि सब एक जगह होकर कुछ सोचेंगे नहीं, वरना पहले ये काम हो गया होता। मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी एक दो लोग मिलकर उस अमाउंट को या उस लेवल को बनाने की कोशिश करते हैं, तभी कोई उनमें से आ जाता है और बहुत कम फीस पर काम करने लगता है। अंजना सिंह इस मुद्दे पर कहती हैं कि भोजपुरी में ही नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री में मेल और फीमेल एक्टर्स की फ़ीस में अंतर रहता है, लेकिन फीस में जो अंतर है वो कम होना चाहिए। अंतर तो इतना है फीस में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मेहनत दोनों की बराबर ही होती है। भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेस को कम फीस के मुद्दे पर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी कई बार बात की। उनका कहना था कि लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि महिलाएं कम पैसे में काम कर लेंगी। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये दिक्कत मानसिकता की है। जिस काम के लिए एक पुरुष को 10,000 रुपये मिलते हैं, तो वहीं अगर औरत करे तो आपने अपने मन में सोच लिया है कि ये 5,000 या 4,000 रुपये में भी कर लेंगी। उन्होंने आगे बताया कि भारत में तो ये हाल है कि कोई आदमी 10 रुपए में काम कर रहा है, तो वहीं औरत उसी काम को 3 रुपए में कर रही है। ये मानसिकता की दिक्कत है जिसे बदलने की जरूरत है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी की रिपोर्ट।